हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में मैं आपको जेनेटिक मार्कर के बारे में बताऊंगी। जेनेटिक मार्कर होता क्या है? ये एक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसकी हेल्प से हम इंडिविजुअल या कोई स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये एक डीएनए सीक्वेंस होता है जिसको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए इंडिविजुअल्स एंड स्पीशीज, ठीक है। और ये जो सीक्वेंस होता है इसकी हमें लोकेशन क्या होती है क्रोमोसोम पे पता होती है, नॉन लोकेशन होती है क्रोमोसोम पे इसकी। ये शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। और ये एक बहुत असेंशियल टूल है लिंकेज की स्टडी के लिए और उसकी मैपिंग के लिए। इसके फीचर्स क्या हैं? नंबर वन, नेकेड आई पॉलीमॉर्फिज्म, इसको हम एनईपी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जिस पॉलीमॉर्फिज्म को हम नेकेड आई से देख सकते हैं वो नेकेड आई पॉलीमॉर्फिज्म है। जैसे कि प्लांट हाइट, हम डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की हाइट कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेप हो गई, उसका कलर हो गया, उसके फ्लावर्स का, फ्रूट का, सीड का साइज हो गया, ये सब कुछ नेकेड आई पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। और ये इजी टू यूज़ है और इसको हम क्विकली इसकी स्कोरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें किसी भी लेबोरेटरी इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें। और इसमें हम जो प्लांट मटेरियल होता है वो हम एक इंटैक्ट प्लांट लेते हैं, मतलब पूरा का पूरा प्लांट लेते हैं पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी के लिए, और इसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हाई होती है, ठीक है। और इस केस में जनरली डोमिनेंट मार्कर्स आते हैं, ठीक है, डोमिनेंट मार्कर्स। अब सेकंड आता है प्रोटीन बेस्ड मार्कर। इसमें आइसोजाइम्स यूज होते हैं एज अ मार्कर। अगर सपोज वेरिएशन है मॉलिक्यूलर वेट में और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट में, तो ये मार्कर्स यूज़ किए जाते हैं इनकी स्टडी के लिए। इसमें बहुत ही लिटल अमाउंट ऑफ टिश्यू की रिक्वायरमेंट होती है डिटेक्शन के लिए, और ये कोडोमिनेंट मार्कर्स होते हैं। अब डोमिनेंट कोडोमिनेंट का क्या मतलब है? डोमिनेंट मतलब जिसमें एक ही अलील एक्सप्रेस हो, ठीक है। और कोडोमिनेंट कौन से होते हैं? जिसमें दोनों अलील एक्सप्रेस हो, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे वो रिसेसिव हो, दोनों अलील एक्सप्रेस होते हैं उसको हम कोडोमिनेंट मार्कर बोलते हैं। अब थर्ड आता है डीएनए मार्कर। डीएनए मार्कर क्या होता है? जो हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू जो हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स मिलते हैं उसको हम यूज़ करते हैं एज अ डीएनए मार्कर। ये मेनली तो कोडोमिनेंट होते हैं, बट जो आरएपीडी मार्कर होता है आरएपीडी वो डोमिनेंट होता है। ये एक एक्सेप्शन है इसमें, बाकी सब इसमें कोडोमिनेंट होते हैं, जैसे कि SSR हो गया, ठीक है, AFLP हो गया। SSR सिंपल सीक्वेंस रिपीट, AFLP एम्प्लीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये कोडोमिनेंट मार्कर्स में आते हैं। ये हमें पॉलीमॉर्फिज्म जो एक्चुअल हमारा बेस सीक्वेंस होता है डीएनए का उसमें शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म। और ये इसमें बहुत सारे अनलिमिटेड डीएनए मार्कर्स होते हैं। अब है
टाइप्स ऑफ मार्कर्स, टाइप्स ये दो तरीके के होते हैं. नंबर वन लिंक्ड मार्कर्स, नंबर टू डायरेक्ट मार्कर्स. डायरेक्ट मार्कर्स, अब लिंक्ड और डायरेक्ट में क्या डिफरेंस है? लिंक मार्कर होते हैं जो जो ट्रेड चीन होता है उसके बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में जो होता है उसको हम लिंक मार्कर कहते हैं, और डायरेक्ट मार्कर होता है जो उस ट्रेड को कंट्रोल करे, उसके वेरिएशन को कंट्रोल करे, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मार्कर. और डायरेक्ट मार्कर को हम स्पेसिफिक मार्कर्स भी बोल सकते हैं या जीन बेस्ड मार्कर भी बोल सकते हैं. अब इसके यूजेस, इसका पहला यूज़ है कि इसकी हेल्प से हम स्टडी कर सकते हैं कि जो इनहेरिटेड डिसीज़ होती है और उसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसमें क्या रिलेशनशिप है, उसकी स्टडी के लिए. यूज टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन इनहेरिटेड डिसीज एंड जीन रिस्पॉन्सिबल. और दूसरा क्या है, इसकी हेल्प से हम जेनेटिक मैप भी बना सकते हैं, लिंकेज मैपिंग कर सकते हैं. यूज टू जनरेट जेनेटिक मैप्स ठीक है. थर्ड है, इसमें हम इवोल्यूशनरी स्टडी भी कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, कि वो कहाँ से आया है, इन सब की हम स्टडी कर सकते हैं. यूज टू स्टडी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स. तो ये था बेसिक आइडिया अबाउट जेनेटिक मार्कर ठीक है. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.